वक्त है 20 बड़ी खबरों का T20 में। अब आपको दिखाते हैं अन्ना हजारे की अनशन से जुड़ी 20 खबरें। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन का असर अब कांग्रेस पर भी देखने लगा है। कांग्रेस के सांसद प्रवीण सिंह एरन ने जनलोकपाल बिल को मजबूत बिल बताते हुए उसे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी के पास भेजा है। चिट्ठी में सांसद ने साफ साफ लिखा कि सरकारी लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं होगा। बरेली से सांसद प्रवीण सिंह एरन के मुताबिक लोकपाल का मकसद तभी पूरा होगा जब अन्ना के जनलोकपाल बिल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मजबूत लोकपाल की जरूरत पर जोर देते हुए प्रवीण सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी से अन्ना हजारे के बिल को विचार के लिए मंजूर करने की गुजारिश की। लोकपाल पर अब तीसरा बिल सामने आ गया है। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल का सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने इससे अलग बिल बनाया। अब सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय भी अपना बिल लेकर सामने आ गई हैं। लोकपाल बिल पर खुलकर सामने आई अरुणा ने अन्ना के तरीके पर ही सवाल उठा दिए। We also say that everybody has a right to protest and dissent, but the nature of dissent is such that we can't claim privilege when we dissent against somebody, and we can't give the same amount of space to others. अरुणा रॉय खुद तो अन्ना के खिलाफ बोली ही, उनकी टीम के सदस्यों ने भी अन्ना के अनशन पर सवाल उठा दिया और अन्ना क्रांति को देश के लिए खतरनाक बता डाला। हमको ये बड़ी खतरनाक चीज लगती है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। आज हम कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास 10-15-20 हजार, 1-2 लाख लोग हैं तो हम पार्लियामेंट का फंक्शन खुद ले सकते हैं। कल हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम तो कोर्ट भी नहीं अच्छा काम कर रहे तो हम कोर्ट का फंक्शन ले लेते हैं। अन्ना के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के हमले का टीम अन्ना ने भी जवाब दिया। अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने अरुणा के बिल पर सवाल उठा दिए। अरुणा रॉय जी का जो लोकपाल का वो है उसके अंदर वो कह रही हैं कि इस बिल इसको चार हिस्सों में बांटिए, चार कमीशन बनाइए, एक पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन, एक जुडिशियल कमीशन, एक विजिलेंस कमीशन और एक लोकपाल, और ये चार चार कमीशन हर राज्य में बने तो 120 कमीशन हो गए। 120 कमीशन में अगर हर कमीशन में 10-10 मेंबर हैं तो 1200 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होगी। लोकपाल बिल पर अचानक तीसरा ड्राफ्ट सामने आने पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरुणा इतने दिनों बाद अपना बिल लेकर क्यों आई? टीम अरुणा ने अन्ना के अनशन पर सवाल क्यों उठाया? क्या अरुणा ने सरकार के इशारे पर टीम अन्ना पर हमला बोला? क्या लोकपाल बिल का नया ड्राफ्ट लाकर अरुणा अन्ना के आंदोलन को कमजोर करना चाहती हैं? अरुणा रॉय सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि वो उस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैं जिसकी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस सरकार के इस मंत्री ने अन्ना हजारे की तुलना एक मदारी से कर दी। तो शहर में तो यूं डमरू भी बजाए तो 10,000 आदमी यूं इकट्ठे हो जाते हैं। वीरभद्र सिंह मथुरा में कान्हा के दर्शन के लिए आए थे लेकिन जब पत्रकारों ने अन्ना हजारे और लोकपाल बिल पर उनके आंदोलन का जिक्र किया तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे। इससे पहले नारायण स्वामी भी अन्ना पर आग बबूला हो चुके हैं। इफ एनीबॉडी वो क्रिटिसाइजेस द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंड इफ दे कॉज एस्पेशन ऑन द स्टैंडिंग कमेटी इट इज क्लियरली केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। केजरीवाल कॉजेस एनी एस्पेशन। अन्ना हजारे ने संघ और अमेरिका के समर्थन पर अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। अरविंद जी, ये कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी आपके इस आंदोलन में पूरी मदद कर रही है जिस कारण एक धर्म विशेष के लोग अन्ना के इस आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। दूसरे विपक्षी दल भी ये आरोप लगा रहे हैं। अन्ना हजारे ये सुनते ही गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने सवाल उठाने वालों की मानसिक हालत पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे जो कह रहे हैं, ऐसे कहने वाले लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। अन्ना, आपने कल कहा कि 30 तारीख तक सरकार अगर लोकपाल अगर जन लोकपाल विधेयक पेश नहीं करती है तो आपका अनशन जारी रहेगा, लेकिन आज जो है स्टैंडिंग कमेटी जो लोकपाल पर बनी है उसका एक अखबार में विज्ञापन आता है, 4 तारीख तक उसमें सुझाव मंगाए जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार का जो रुख है वो इस पर अड़ियल होता जा रहा, और इस पर आपका क्या रुख होगा? क्या ये अनशन आगे भी जारी रहेगा? इसके बाद अन्ना ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ बता दिया जाएगा। मुझे हम लोगों को आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ जोड़ते हैं, अभी तो उन्होंने हमें अमेरिका से जोड़ा है, अमेरिका का हाथ है।
और कल ये कहेंगे पाकिस्तान का हाथ है इनके पीछे। जनलोकपाल की लड़ाई में अन्ना के मजबूत सिपह सालार संतोष हेगड़े बार बार टकराव की बजाय बिल पास करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जनलोकपाल में पीएम के मुद्दे पर सहयोगियों को मनाने की बात कही थी। That we are very adamant about judges and Prime Minister. If that is the only two objections that they have, I think I'll persuade my colleagues to agree. Let the other things, we have differences in about 8 issues. That means they are willing to agree for the other 6 issues. Let them say. संतोष हेगड़े ने बिल को पूरी बहस के बाद पास कराने पर जोर दिया, जबकि अन्ना हजारे ने सरकार को 30 अगस्त तक जनलोकपाल बिल पारित कराने का अल्टीमेटम दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अन्ना के अनशन का छठा दिन है। अन्ना का वजन भले ही गिर रहा हो, लेकिन उनके जोश और समर्थकों के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। तिहाड़ में 3 और रामलीला मैदान में अन्ना की 2 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही। अन्ना और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। पिछली बार महज 95 घंटों में अन्ना के सामने झुकने वाली सरकार इस बार आसानी से झुकने के मूड में नहीं दिखती। संसद को हम अपील करते हैं कि सरकार ने 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरा ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। मैं एक समिति का अध्यक्ष हूँ, मैं किसी की टिप्पणी में कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। जिसका जो मत है उनका मत हो, हम एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जो न कल निर्मित हुई थी न किसी एक मुद्दे के लिए निर्मित हुई थी। जनलोकपाल बिल को लेकर अन्ना और सरकार में ठनी हुई है। दोनों ही गुट बातचीत को जरूरी तो मानते हैं, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं है। एक तरफ अन्ना जहां अपनी जिद पर अड़े हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार तकनीकी मजबूरियां गिना रही है। We are open to, I think, discussion, dialogue. We would like a broad national consensus to emerge. We are all in favor of a Lokpal which is strong, which is effective. हम संदीप दीक्षित जी के इस बयान का बहुत स्वागत करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, उनका बयान बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बताएं हम क्या करें। हम तो कह ही रहे हैं बार बार कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने तो कभी बातचीत से मना नहीं किया। अभी एक हफ्ता पहले बताएं किससे बात कर, जैसे एक हफ्ता पहले चिदम्बरम साहब का बयान आया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद हमने तुरंत बोला कि बताइए कहाँ आएँ, किससे मिलें, कितने बजे आएँ, वो बताएं तो सही कहाँ आएँ, कितने बजे मिलें। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीती रात सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। ये मशाल जुलूस रामलीला ग्राउंड के बाहर निकाला गया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे। रैली अन्ना के अनशन के समर्थन में निकाली गई। करीब 200 लोगों ने इस मशाल रैली में हिस्सा लिया। किसी के हाथ में मशाल थी तो किसी के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। इस मशाल जुलूस में लोगों ने अन्ना के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामलीला मैदान पे और हर वक्त हर समय नया नारा, लेकिन अब एक नया सामने पोस्टर आया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। लेकिन आप ये देख रहे हैं इसमें दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल और अन्ना हजारे की तस्वीरें हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको अंग्रेजों की तस्वीरों में की तरह बनाया गया है। भ्रष्टाचार की खिलाफ ये जो लड़ाई हो रही है उसमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बच्चे का नाम है उमर फारूक और इस छोटे से बच्चे का नाम जो कि अन्ना की ड्रेस में खड़ा हुआ है, इसका नाम है सहज बत्रा। ये छोटे बच्चे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्चे को भी पता है कि जीत जो होगी अन्ना के सपोर्टर्स यानी आम आदमी की जीत होगी, और इस बच्चे ने विक्ट्री का साइन ले रखा है। इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पे रात के वक्त कई जो समर्थक है अन्ना के, जो समर्थक उनका जोश भरा हुआ है और जोश के साथ अभी भी नारेबाजी चल रही है। वहीं पे कुछ ऐसे भी समर्थक है जो कि पूरे दिन भर उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया और जब सोने का वक्त आया तो उन्होंने बजाय अपने घर जाने के ये जो रामलीला ग्राउंड को ही अपना घर बना लिया।
अन्ना के संघर्ष में देश के दूर दूर कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं मेरे साथ ये जो परिवार खड़ा हुआ है ये हिमाचल से आया हुआ है, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। ये जो परिवार है ये अपने साथ दो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आया हुआ है। ये जो बच्ची है इसका नाम एकता है जो कि 6th क्लास में पढ़ती है, वहीं पर जो अंजलि है ये 2nd क्लास में पढ़ती है। इन बच्चों ने छुट्टी ली है और इनको पूरी उम्मीद है कि जो अन्ना की जो क्रांति है इसके बाद भ्रष्टाचार तो मिटेगा ही मिटेगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए। ग्रेटर नोएडा में अन्ना हजारे की लंबी उम्र के लिए दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गोल चक्कर पर एकजुट हुए सैकड़ों लोगों ने अन्ना के लिए 1100 दीप जलाए। अन्ना के लिए किए गए इस दीप यज्ञ में महिलाओं और बच्चे ने भी शिरकत की। अन्ना के इन समर्थकों ने दीप यज्ञ के साथ अन्ना के समर्थन में नारे भी लगाए। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना के समर्थक बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। रामलीला मैदान में जल जमाव की वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। आंदोलन में शामिल लोग बुखार और डायरिया के शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार की रात रामलीला मैदान में हुई बारिश के बाद यहां बने मेडिकल शिविर में मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ गई। यहां मौजूद डॉक्टरों की माने तो मरीजों को पानी की कमी से डायरिया और तेज बुखार की शिकायत होने लगी है। हमारे पास 400 के करीब पेशेंट आए हैं। शुरू में जो पेशेंट आए थे वो सब कोई चोट था और हेडेक वगैरह था, और उसके बाद पानी की कमी के पेशेंट आने लगे और 10 पेशेंट्स को हमने LNJP भेजा है, उनमें से 2 तो काफी क्रिटिकल है। अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे हैं तो उनके गांव रानीगढ़ सिद्धि में उनके समर्थक लगातार रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के साथ यहां सैकड़ों लोगों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और जनलोकपाल के लिए अन्ना का समर्थन किया। इसके अलावा गांव में एक ऐसी रैली भी निकाली गई जिसमें लोगों ने थालियां पीट पीट कर सरकार से जनलोकपाल बिल को पास करने की मांग की। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन शहरों के साथ साथ दूर दराज के गांवों में भी अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार गांव में कांग्रेस के शासन से त्रस्त आदिवासियों ने अन्ना के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। हम लोग 50 साल से कांग्रेस के साथ है मगर हमें कांग्रेस ने महंगाई और भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ दिया नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के समर्थकों ने जयपुर और चंडीगढ़ में मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च किया। इस मार्च की सबसे खास बात रही स्कूली बच्चे। हालांकि हर उम्र के लोगों ने इस कैंडल मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयपुर और चंडीगढ़ में इस मौके पर लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाया। अन्ना की आंधी पूरे देश में तूफान में बदलती जा रही है, यहां तक कि त्योहार भी अन्ना प्रेम से बच नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा अहमदाबाद में देखने को मिला जब बच्चों ने जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार रूपी मटकी को फोड़कर अन्ना के प्रति अपना प्यार दिखाया। जन्माष्टमी के कार्यक्रम भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की मुहिम में बॉलीवुड के सितारे जोड़ते जा रहे हैं। एक्टर महिमा चौधरी और संजय कपूर ने अपनी फिल्म मुंबई के शूटिंग का शॉट भी अन्ना की टोपी पहन कर दिया। सबको ये लगता है कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वहीं एक्टर शाहिद ने कहा अन्ना के सामने बॉलीवुड कलाकार बहुत छोटे हैं। अन्ना हजारे इज मच बिगर देन ऑल ऑफ अस सेलिब्रिटीज राइट नाउ। हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, तो बहुत ही उनकी पावर बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक और लोगों की पावर सबसे ज्यादा है।